भाई जो आज धर्मपत्नी का एपिसोड हम लोगों ने देखा वो काफी ज्यादा लगा कि खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, और इतना ज्यादा खींचा हुआ फील हुआ कि एंड टाइम पर ऐसा लगा कि यार खत्म करो जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, एपिसोड खत्म करो, अब और नहीं देखा जाएगा। क्योंकि यार इतना ज्यादा आज का एपिसोड खींचा हुआ लगा जबरदस्ती का कि अंदर से लग रहा था कि यार ये बोर कर रहा है, एपिसोड खत्म करो। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जो खींचने वाली चीज थी तो वो ये प्रतीक्षा पता नहीं भागती है फिर पकड़ में आ जाती है, फिर भागती है फिर पकड़ में आ जाती है, फिर भागेगी फिर पकड़ में आ जाएगी, फिर भागेगी फिर पकड़ में आ जाएगी। मतलब भागना पकड़ना, भागना पकड़ना, भागना पकड़ना, चूहे बिल्ली से भी बदतर हाल हो गया। ये तो इतना मतलब अजीब सा ये बना दे लोगों ने चूहे बिल्ली का खेल, भागना पकड़ना, भागना पकड़ना, कि दिमाग खराब हो गया मेरा सीरियसली। और एक टाइम ये आया कि भाई मन करता कि छोड़ो यार कितना बोर करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा देखने में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तब लगा जब हम लोगों को ये मतलब ये ऊपर से आवाज, प्रतीक्षा ने कुछ आवाज दी, और तब क्या हुआ, तब समझ में आ गया सबको ऊपर से आवाज आई है। और काव्या ने ऊपर जाने से जो रवि की बहन उसको रोकने के लिए सीरियसली ये कहा कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है मैं देख के आता हूँ अगर कोई ऊपर है तो, उस चीज को रोकने के लिए ऊपर जाके प्रतीक्षा को ना पकड़ पाए, उसने ये हाथ जलाने का नाटक किया वहां पे, जो भी ड्रामा वो किया। एंड सीरियसली ये मुझे बहुत ज्यादा मसला, क्योंकि यहाँ पे बंदी ने इतना ज्यादा मतलब अपना दिमाग का यूज किया और फटाफट ये जिस तरीके से मतलब मैनेज किया, बहुत ज्यादा मजा आया। प्लस एक और चीज कि जो मतलब ख्यालों में जो बातें सोच रही होती है प्रतीक्षा, उसकी जो बैकग्राउंड वॉइस ओवर चलता है वो प्रतीक्षा के फेस एक्सप्रेशन से कहीं पे भी नहीं मिलता। दो तीन बार मैंने चीज नोटिस की, क्योंकि आज के एपिसोड में ये काफी बार हुआ कि जो प्रतीक्षा वो ख्यालों में कुछ सोच रही है और उस टाइम पे जो प्रतीक्षा का फेस एक्सप्रेशन है वो बड़े ही अजीब लेवल का, बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल भी मैं सच बताऊं सेट नहीं हो रहा था कि वो क्या मतलब बोलना चाह रही है या बोलना चाह रहा है, ठीक है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अगर अपने लिए भी सोच रही है तो अजीब सा लग रहा है, किसी और के लिए सोच रही है तो भी अजीब सा लग रहा है, मतलब एक्सप्रेशंस दोनों में बिल्कुल एक्यूरेट आई रे फिट बैठ ही नहीं रहे। तो ये चीज बड़ी मुझे अजीब सी लगी, और ये चीज मैं सच बताऊं बहुत अजीब सा फील लगी। क्यों, उसके लिए आज के एपिसोड में कुछ था, आदि भाई साहब अपने दोस्त दीपांशु के साथ पानी के चक्कर में है, बोतल के चक्कर में परी को थोप देगा, अब परी को लेके वो घर आ रहा है, दूसरी तरफ वहां पे वो जो चुन्नी है उसके पीछे लफड़ा चल रही है। हाँ बीजी जो है, बीजी की बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी आज की, बीजी ने थोड़ा हल्का सा कॉमेडी टाइप का माहौल करने की कोशिश की, जो उनकी एक्टिंग है ना वो मुझे पहले भी पसंद आई थी एपिसोड में, आज भी पसंद आई, और सीरियसली आने वाले हर जितने भी शोज होंगे, हर शो में हर एपिसोड में जब भी उनका टाइम स्टैम्प आएगा, टाइम स्लॉट आएगा, तब तक मुझे मजा आएगा कि इनकी एक्टिंग बहुत ही अलग लेवल की और बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा, एंड सीरियसली मुझे मजा आया। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।